नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कल बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि मैंने जो यस्टरडे आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का जो लेवल दिए थे, उस लेवल के हिसाब से उसने आज क्या किया। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है और मैंने आपको कल बोला था अगर बैंक निफ्टी 36,888 और 36,663 के बीच में ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 36,665 तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको बताया था 36,569, दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था 36,462 और तीसरा टारगेट मैंने आपको बताया था यहाँ पे 36,344। तो आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स, ये तीनों टारगेट उसने अचीव कर लिया है फ्रेंड्स आज की तारीख में। अब बैंक निफ्टी का आज का ओपनिंग हुआ था बैंक निफ्टी का 36,695 पे उसका ओपनिंग हुआ था, यानी इस जोन में उसका ओपनिंग हुआ था। और यहाँ से सीधा उसने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टारगेट उसने 10:30 बजे उसने हमारा थर्ड टारगेट अचीव कर लिया था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया वो। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम ग्लोबल मार्केट भी अभी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो SCX निफ्टी 17 पॉइंट माइनस दिखा रहा है और डाउ जोंस माइनस 101 पॉइंट दिखा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। और हमारा SCX निफ्टी और निफ्टी हमारा क्लोजिंग हुआ है 36,408 पे हमारा क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि अभी SCX निफ्टी और निफ्टी को देखते हैं तो अभी ये फ्लैट मूवमेंट चल रहा है फ्रेंड्स अभी। तो कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में वो पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैं ये पूरा लेवल आज निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स और नए लेवल हम ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स कल के लिए। ये 50 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, अगर ये फ्रेंड्स इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा 36,350 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 36,260 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स उसका 36,180। कल बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है क्योंकि कल रात को यानी बुधवार को रात को फेड का मीटिंग हो रहा है, उसका रिजल्ट पता चलेगा तो हमें थर्सडे को बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी लगती है। तो इसलिए मैं आज आपको दो ही लेवल लेता हूं फ्रेंड्स। और अपसाइड में अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं तो यहां से आप चेक करोगे तो यहां से एक ट्रेंड लाइन यहां पे जा रही है फ्रेंड्स। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स फ्लैट ओपन होने के बाद यानी फ्लैट जोन हमारा कौन सा रहेगा कल के लिए, मैं फ्लैट जोन बना लेता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लैट जोन रहेगा कल के लिए। ओके, अपसाइड में ये रहेगा, कितना रहेगा ये फ्रेंड्स 36,587। डाउन साइड का लेवल मैंने आपको बता दिया। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन में फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अपसाइड में 36,460 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 36,563। 100 पॉइंट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है और न्यूज़ बेस भी चलने वाला है दो दिन मार्केट, तो मैं ज़्यादा आपको लेवल नहीं देने वाला बैंक निफ्टी में और निफ्टी में आज। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का। तो आइए देखते हैं अब निफ्टी ने क्या किया था फ्रेंड्स आज के लिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स कि 16,636 से लेकर 16,565 के बीच में अगर निफ्टी ओपन होती है और 16,565 को ब्रेक करती है तो उसका टारगेट मैंने आपको दिया था पहला टारगेट 16,524, दूसरा टारगेट 16,480। टारगेट दो टारगेट मैंने आपको दिए थे कल के लिए सॉरी आज के लिए, तो दोनों टारगेट यहाँ पे उसने अचीव कर लिया है फ्रेंड्स, आप ये चेक कर सकते हो। और उसका ओपनिंग हुआ था फ्रेंड्स आज निफ्टी का हुआ था 16,556 पे ओपनिंग हुआ था, यानी जो मैंने ये लेवल दिए थे कौन सा वाला लेवल दिया था, ये जो लेवल दिया था 16,565 वहीं पे उसने ओपनिंग किया और पहले के अंदर से वो डायरेक्ट नीचे आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा पहुँच लेने के बाद ऊपर गया और फिर से यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और आ गया डायरेक्ट नीचे और उसने आज का लो बनाया है फ्रेंड्स 16,460 से उसने आज लो बनाया है निफ्टी ने। तो आइए देखते हैं कल निफ्टी क्या कर सकती है बुधवार को।
तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको पूरा निकाल ही लेते हैं और हम न्यू लेवल आज ड्रॉ करेंगे कल के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो सपोर्ट जोन था उसने आज वो तोड़ दिया है फ्रेंड्स, सॉरी ओके, कौन सा सपोर्ट जोन था फ्रेंड्स, 16480 का सपोर्ट जोन तोड़ दिया है और उसने लो मारा है फ्रेंड्स, उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 16483 पे उसने क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स आज। हाँ सॉरी इसमें कोई गड़बड़ लग रही है, 16466 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स निफ्टी में। तो अगर कल टुमारो के लिए फ्लैट जोन हम दो करते हैं पहले फ्रेंड्स, तो टुमारो के लिए फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स हमारा ये वाला, अगर डाउन के साइड में फ्रेंड्स टुमारो फ्लैट ओपन होने के बाद यानी इसी जोन में ओपन होने चाहिए निफ्टी को कल इस जोन में, और यहाँ से वो 16462 ब्रेक करता है फ्रेंड्स तो उसका पहला टारगेट आने की पूरे पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 16425, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 16360। ये दो टारगेट आ सकते हैं डाउन के साइड में, और अगर फ्रेंड्स अप साइड में अगर फ्रेंड्स 16503 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अप साइड में 16527, जो बहुत ही छोटा टारगेट लग रहा है मुझे अभी। ओके मैं ये कर लेता हूँ 16540, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 16570। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है डाउन की साइड में, तो हो सकता है अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे तो यहाँ से भी इसे नीचे घूम सकती है फ्रेंड्स निफ्टी, और अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी और निफ्टी ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो हमें प्राइस एक्सेप्ट बनने का वेट करने का पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। ओके फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।